हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोयम, दैट इज अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ले नॉरिस. तो बच्चों, इसमें हमने देखा था कि किस तरह से पोएट ने जो है कंट्रास्ट किया है यहाँ पे ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट. तो अगर हम किसी को जो है कैद कर देते हैं या केज में रख देते हैं, तो उसकी जो है हम क्या करते हैं, स्ट्रेंथ अपने प्लेजर के लिए, जस्ट फॉर आर प्लेजर, अपनी खुशी के लिए जो है हम उसको कैद कर देते हैं, बट ये नहीं देखते कि उसकी जो नेचुरल हैबिटेट है. तो यहाँ पे जो है पोएट ने डिफरेंट स्टेंजर्स में जो है अलग अलग जो है उसकी कंडीशंस को बताया है कि अगर जू के अंदर है तो कैसे लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है उसकी, और वो क्या खुश होगा? नहीं, ऑब्वियस है कि वो खुश नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो है स्ट्रेंथ, एक जो फ्रीडम है, राइट, तो वो हमने उसकी छीन ली है. अगर वो नेचुरल हैबिटेट में होगा तो क्या होगा, वो एंजॉय करेगा अपना प्रे को जो है किस तरह से हिडन कर, अपने आप को हाइड करके कहाँ पे, लॉन्ग ग्रासेस में या जंगल के कोने में जाके या आउटस्कर्ट में जाके किस तरह से टेरराइज कर लेगा या फुली क्या एंजॉय करेगा, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट में जो है उसका हैबिटेट है. तो ये जो है यहाँ पे कंपेयर करा है पोएट ने, तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों, हमने पहले जो है फर्स्ट टू स्ट्रेंजर्स पढ़े थे. जैसे हमने पढ़ा था कि पहले वाले स्ट्रेंजर्स में क्या था कि टाइगर जो है जू के अंदर है और किस तरह केस में है, और वो जो है उसकी फ्रीडम नहीं है और लिमिटेड स्ट्रेंथ है, लिमिटेड जो है एरिया है टू वॉक, और किस तरह से गुस्सा आ रहा है उसको, बट क्वाइट रेज है, शांत है, गुस्सा है बट शांत है. ऑब्वियस, अगर किसी को हम कैद कर देंगे, केज में रख देंगे, तो वो क्या होगा, हमें ही अगर कोई प्रिजन में रख देता है तो हम क्या है, खुश होंगे? नहीं होंगे. ऑब्वियस है कि हम खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारी आजादी को छीन लिया गया है. जैसे हमने पहले वाले चैप्टर में जो है पढ़ा था नेल्सन मंडेला में, कि किस तरह से साउथ अफ्रीका के लोगों की जो है फ्रीडम को छीन लिया था किन्होंने, व्हाइट रूल्स ने. तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश करी है कि अगर हम किसी जानवर को या कोई भी वाइल्ड एनिमल है, अगर उसको हम केज में रखते हैं, तो किस तरह से हम जो है उसका फ्रीडम को छीन लेते हैं, राइट. और सेकेंड स्टेंजर में उन्होंने बताया था कि अगर जो है किस तरह से जो है अगर वो जो है फ्रीडम मिलती है उसको, अगर पोएट कहते हैं कि वुड हैव बीन फ्री, अगर हम उसे फ्री कर देते हैं तो क्या करेगा, वो वॉक करेगा, फ्रीली घूमेगा, अपने प्रे को देखेगा, कोई वाटर बॉडीज में जाके लर्किंग करेगा, छुप के जो है घात लगा के बैठेगा अपने प्रे के लिए. सिमिलरली कम टू द थर्ड स्टैंजा. थर्ड स्टैंजा में क्या बोला है पोएट ने, ही शुड बी स्नार्लिंग. स्नार्लिंग का मतलब है कि किस तरह से जो है वो आवाजें निकालेगा, अराउंड द हाउसेस, घरों के पास, एट द जंगल्स एज. जंगल्स एज माने जंगल के किनारे, आउटस्कर्ट में, बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेररिंग द विलेज. और अपना, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि शेर या टाइगर क्या करते हैं, अपना पूरा जबड़ा करके जो है डराने की कोशिश करते हैं, रोर करते हैं, दहाड़ते हैं, और लोगों को किस तरह से टेररिंग द विलेज, और बाहर जाके क्यों, ये क्यों जाते हैं बाहर की तरफ, आउटस्कर्ट में क्यों जाते हैं? क्योंकि बच्चों आजकल क्या हो रहा है कि हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डिफोरेस्टेशन? द कटिंग डाउन ऑफ द ट्री. हम जो है अपनी सुविधा के लिए जो है पेड़ काट देते हैं, तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट है, उनका जो शेल्टर है वाइल्ड एनिमल्स का, वो हम छीन लेते हैं. तो ऑब्वियस है वो किधर की तरफ जाएंगे, टुवर्ड्स द विलेजेस या जंगल की एज तक पहुंच जाते हैं. अदरवाइज क्या रहता है, अगर घना जंगल है तो क्या है, वहीं पे वो जो है अपना प्रे ढूंढते हैं और वहीं पे जो है रोर करते हैं, घूमते रहते हैं पीसफुली. तो यहाँ पे बच्चों स्नार्ल का मतलब होता है टू ग्रॉल. कल भी मैंने लिखा था यहाँ पे, आपको बताया था टू ग्रॉल, पुराना. फैंग मीन रूट ऑफ द टूथ, जबड़ा दिखाना पूरा. रूट ऑफ द टूथ, तो यहाँ पे बोल रहे ही वर्ड किसके लिए यूज कर रहे हैं, टाइगर. तो यहाँ पे क्या है, पर्सनिफिकेशन है. कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पर्सनिफिकेशन. तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन, अगर टाइगर को फ्री कर देते हैं तो वो कहाँ जाएगा, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, एट द जंगल्स एज.
बेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, अपना जो है मुंह खोल के जो है पूरे दहाड़े मारेगा या डराने की कोशिश करेगा हिज क्लॉज, पंजों से। तो यहाँ पे जो है टेरराइजिंग, टेरराइजिंग मीन्स डराना गांव के लोगों को। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री, कि अगर हम टाइगर को फ्री कर देते हैं तो ही वुड हैव स्नॉर्ड अराउंड द हाउसेस लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट, कि जो जंगल के एच में आउटस्कर्ट में जो हाउस बने हुए हैं तो वो क्या करेगा, घूमते घूमते अगर उसको खुला छोड़ देते हैं या फ्री छोड़ देते हैं तो कहाँ जाएगा बच्चों, वो जंगल के किनारे जो गांव बने हैं आउटस्कर्ट्स में गांव बने हैं ऑफ द फॉरेस्ट, वहां जाके क्या करेगा वो ग्रोल करेगा, क्या करेगा गुर्राएगा, स्नॉल रोर भी कह सकते हैं, दहाड़ेगा। यस नॉन मीन्स टू ग्रोल, गुर्राना। ही वो टेरराइज, और क्या करेगा वहां पे वो टेरराइज मीन्स गांव के लोगों को क्या करेगा डराएगा। टेरराइज पीपल विथ हिज शार्प टूथ, अपने दांतों से जो बड़े बड़े जो दांत होते हैं यहाँ पे दिखाए गए हैं पिक्चर में आपको, ये क्या है फैंग्स एंड क्लॉज, और पंजों से क्लॉज। दिस वुड क्रिएट, और ऐसे अगर कोई ऑब्वियस अगर कहीं मैं जा रही हूँ या मैं घर में हूँ और एकदम से कोई टाइगर आ जाता है या कोई लायन आ जाता है या कोई भी वाइल्ड एनिमल आ जाता है और दांत दिखाता है अपने फैंग्स दिखाता है और टेरराइज, तो ऑब्वियस है कि हर कोई जो है डर जाएगा गुर्राएगा। तो यहाँ पे भी जो है दिस वुड क्रिएट फियर, फियर मीन्स डर एमंग द पीपल लिविंग इन द विलेज। तो किस तरह से पोएट ने यहाँ पे ब्यूटीफुली बताया गया है, एक्सप्लेन किया गया है कि अगर हम किसको फ्री कर देते हैं, टाइगर को अगर हम फ्री छोड़ देते हैं तो किस तरह से जो है वो जो घर जो है आउटस्कर्ट्स में बने हैं वहां पे जाके स्नॉल करेगा, रोर करेगा, और अपने जो है दांतों से और पंजों से जो है गांव के लोगों को डराएगा। तो ये जो है उन्होंने कंपेयर करा है दोनों सिचुएशंस को, टाइगर इन द जू, क्योंकि आगे एक क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका आंसर देना है, टाइगर इन द जू और टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट। तो यहाँ पे टाइगर जो है अपने किस में है, नेचुरल हैबिटेट में। क्लियर? तो यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में उसकी बात की है। नाउ कम टू द नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा। तो इसमें बोला है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट मीन्स बहुत छोटा सा नैरो सा जो है उसका सेल है जिसमें उसको रखा गया है, केज है। ही हैज़ टू स्टैंड बिहाइंड बार्स, और जो इतना स्ट्रांग है परंतु उसको जो है हमने किसमें एक केज में रखा हुआ है जो बहुत ज्यादा जो है कंक्रीट है, नैरो है, उसमें क्या उसकी स्ट्रेंथ होगी? नो, पूरी स्ट्रेंथ नहीं होगी, लिमिटेड स्ट्रेंथ होगी। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, स्टॉकिंग मीन्स कितना वॉक करेगा वो पिंजरे के, अपना जितना उसका जो है केस है उतना तक जो है वो चल पाएगा। क्लियर? द लेंथ ऑफ हिज केस इग्नोरिंग विजिटर्स, और किसको इग्नोर करेगा? विजिटर्स को, क्योंकि वो क्यों करेगा इग्नोरिंग विजिटर्स को, क्योंकि वो जो है केस के अंदर क्या है लिमिटेड है, क्योंकि उसके पास वॉकिंग करने के लिए चलने के लिए कितना स्पेस है, खाली लिमिटेड स्पेस है, स्ट्रेंथ भी क्या है उसकी लिमिटेड है। तो सब जो है उसके पास क्या है एक केस के अंदर जो है वो लिमिटेड है, पावर भी उसकी लिमिटेड है और जो स्ट्रेंथ है लिमिटेड है, और क्या लिमिटेड है वॉकिंग डिस्टेंस जो है उसका क्या है लिमिटेड एरिया है, वहीं तक जो है वो क्या कर सकता है मूव कर सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर जो है बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, उसको जो है किसमें बंद कर दें, अगर छोटे से जो है कंक्रीट सेल में जो है बंद कर दिया गया है तो उसकी जो पावर है शक्ति है वो क्या है सलाखों के पीछे है, बिहाइंड बार्स, क्या वो शो कर सकता है बच्चों अपनी पावर या स्ट्रेंथ को? नहीं कर सकता, बिहाइंड बार्स। क्लियर? स्टॉकिंग, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और क्या करेगा वो खाली पिंजरे की जो है क्या करेगा स्टॉकिंग, मतलब पिंजरे की जो लेंथ को ही वो नाप सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और क्या कर सकता है वो जो देखने के लिए आ रहे हैं लोग उनको जो है वो इग्नोर कर सकता है। क्लियर? हियर इज एक्सप्लेनेशन। नाउ द पोएट कम्स टू द रियलिटी ऑफ द टाइगर दैट इज इनसाइड द केस। अब वो रियलिटी बता रहे हैं कि केस के अंदर क्या होगा। ही सेज
तो यहाँ पे लेस्ले नॉरिस बोल रहे हैं दैट द टाइगर इज कन्फाइंड इन अ स्ट्रॉन्ग सेल विच इज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल. अब ऐसा है कि अगर कोई टाइगर है या लाइन है उसको ऐसे वीक पिंजरे में तो रखेंगे नहीं, उसको कैसा होना चाहिए, उसका मटेरियल स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि वो इतना पावरफुल है. तो वो कह रहे हैं कि उनको जो है कन्फाइंड इन अ स्ट्रांग सेल, छोटे से कंक्रीट सेल में जो है, जो कि स्ट्रांग सेल है विच इज मेड ऑफ स्ट्रांग बिल्डिंग मटेरियल. ही फर्दर सेज दैट एज द किंग इज बिहाइंड बार्स, क्योंकि स्ट्रेंथ चेक क्या है उसके बिहाइंड बार्स है, सो ही इज फेरोसियसनेस, मतलब थोड़ा सा क्या है वो परेशान है, इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स. He just stalks in the cage. अब उसके पास क्या काम है, खाली कितना लेंथ कवर करेगा, जितना उसके केज की लेंथ है, जितना उसका एरिया है. He never tries to terrorize the visitors. अब क्योंकि उसे पता है, टाइगर को पता है कि उसके पास क्या है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है, उसको वो यूज नहीं कर सकता, जितनी भी स्ट्रेंथ है केज के अंदर उसको यूज नहीं कर सकता, क्लियर. और दूसरा क्या है, इस वजह से जो है ही नेवर ट्राइज टू टेररइज द विजिटर्स, और कोशिश भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है कि वो एक पिंजरे के अंदर बंद है, उसकी फ्रीडम जो है छीन ली गई है, तो वो जो है ही नेवर ट्राइज टू टेररइज विजिटर बिकॉज हिज पावर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द केज, क्योंकि उसकी जो पावर है उसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है किसने, पिंजरे के अंदर. पिंजरे के अंदर अगर उसको फ्रीडम दे देंगे तो उसी समय जो है वो अटैक करेगा, तो वो ही नेवर मीन्स टाइगर नेवर ट्राइज टू terrorize the visitors. Therefore, he never tries to terrorize the visitor as he cannot attack them. इसलिए भी कोशिश नहीं करता क्योंकि उसे पता है अगर मैं डराऊंगा तो वो क्या है, useless है, clear? तो क्योंकि वो उसको attack नहीं कर सकता. तो यहाँ पे क्या है, limited length है, limited जो है उसके पास area है, और that is why वो कोशिश नहीं करते. He never tries to terrorize विजिटर्स, चुपचाप बैठा रहता है या स्टॉक करता रहता है या क्वाइट रेज गुस्सा आता है बट शांत रहता है. तो ये सारी चीजें जो है पोएट ने जो है यहाँ पे जो है कंपेयर करी हैं, दो कंट्रास्ट लिए हैं, एक टाइगर जो अपने नेचुरल हैबिटेट में, और सेकंड जो है टाइगर जो है केज के अंदर है, किस तरह से वो जो है शांत है, गुस्सा है बट शांत है, लिमिटेड एरिया है, पावर को जो है अपना रेस्ट्रिक्ट है उसकी बाय द केज, और किस तरह से जो है अपने पावर को वो यूज नहीं कर सकता, क्लियर. अब यहाँ पे दिस इज योर फिफ्थ स्टेज. तो यहाँ पे जो है बच्चों जो अभी हमने पढ़ा, ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, तो दिस इज टाइगर इन द, कहाँ पे है टाइगर, जू के अंदर है या केज के अंदर है. नेक्स्ट, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टीयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द बिलियन स्टार्स. अब यहाँ पे देखो बच्चों, दोनों टाइगर दिखाए गए हैं, एक जो है पिंजरे के अंदर केज के अंदर है और दूसरा क्या है अपने नेचुरल हैबिटेट में, क्लियर. तो यहाँ पे वो बोल रहा है ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट. अब लास्ट में रात के समय किसकी आवाज सुनेगा वो रात को, जो पेट्रोलिंग करती है कार्स, राइट, जो गार्ड करते हैं रात को, उनकी गाड़ियों की जो है आवाजें सुन सकता है वो, अगर वो केज के अंदर है. The patrolling cars and steers with his brilliant eyes, और अपने steers में looking continuously, लगातार घूरना जिसको बोलते हैं, किसको देखेगा वो, brilliant stars in the sky, जो आसमान में जो है चमकते हुए सितारे हैं, उनको तारे हैं जो उनको वो देख सकता है. तो रात्रि में वो जो है रक्षा करने के लिए जो गार्ड रखे रहते हैं उनकी वॉइस सुनता है, पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग मीन्स जो रात के समय फॉर चेकिंग के लिए जो रहते हैं लोग उनको बोलते हैं, चेकिंग के लिए जो रहते हैं, ठीक है, फॉर चेकिंग, पेट्रोलिंग कार्स, क्लियर. एट द ब्रिलियंट स्टार्स द पोएट, यहाँ पे लेस्ले नॉरिस जो है, पोएट का नाम है यहाँ पे, क्या नाम है बच्चों, जॉर्ज लेस्ले नॉरिस. तो ही सेज दैट इन द नाइट द टाइगर हियर्स. अब टाइगर क्या सुनेगा रात को, क्योंकि रात को तो कोई विजिट करने भी नहीं जाएगा वहां पे, तो जो कारें जो है पेट्रोलिंग करते हैं, चेकिंग के लिए रहते हैं या गार्ड करने के लिए रहते हैं, उनकी आवाजों को क्या है वो रात के समय, एट द टाइम ऑफ
नाइट रात के समय द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स. अब पेट्रोलिंग कार्स कौन सी है? पेट्रोलिंग कार्स आर द व्हीकल्स ऑफ पुलिस विच आर यूज टू गार्ड एट नाइट. क्योंकि रात के समय गार्ड करने के लिए जो है रखे रहते हैं सिक्योरिटी के लिए. सो इन द नाइट द टाइगर हियर्स द साउंड्स ऑफ दीज कार्स और वही गाड़ियों की आवाज, क्योंकि अदरवाइज तो कोई गाड़ी रहेगी नहीं नाइट में, तो किन की आवाज सुनाई देती है? जो पेट्रोलिंग के लिए जो है वहां पे गाड़ियां रहती है, चेकिंग के लिए गाड़ियां रहती है, या सिक्योरिटी के लिए जो पुलिस वाले जो है घूमते रहते हैं गार्ड्स, उनकी आवाजें सुनता है. ही देन ही स्टीयर्स, और क्या करता है टाइगर? ही स्टीयर्स एट द शाइनिंग स्टार्स. जो आसमान में तारे चमकते हैं रात के समय, सबने देखा होगा कि कितने जो है तारे चमकते रहते हैं. विद हिज शाइनिंग आईज द पोएट वॉन्ट्स टू से दैट द टाइगर इज सेड एंड एज ही इज कन्फाइंड इन द केज. अब यहाँ पे बोल रहे हैं पोएट लेस्ली नॉरिस कह रहे हैं कि टाइगर जो है दुखी है क्योंकि उसको क्या है कैद करके रखा है, उसकी हमने फ्रीडम छीन ली है. एंड एज ही कन्फाइंड इन द केज, और उसको जो है हमने किस में बंद करके रखा है, केज में है. दैट इज वाई ही इज वेरी सैड. सो ही कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं कर सकता. देयरफॉर ही टीयर्स, इसीलिए जो है वो क्या करता है, ही टीयर्स एट द स्टार्स इन द नाइट, रात के समय जो है स्टार्स को देखता रहता है. एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट्स टुवर्ड्स देम, और कोशिश करता है कि जो अपने माइंड को जो है वो डाइवर्ट करे. खाली वो किसकी आवाजें सुनता है? पेट्रोलिंग कार है जो गाड़ियां चल रही हैं. और टीयर्स क्या करता है? नाइट में स्टार्स को देखता रहता है. एंड ट्राइज टू डाइवर्ट हिज थॉट टुवर्ड्स देम, अपने विचारों को जो है डाइवर्ट करने के लिए जो है वो उनको देखता रहता है. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द होल पोएम. आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा, डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा. अभी आगे जो है क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसमें देखेंगे हम किस तरह से जो है पोएट ने जो है दोनों चीजों को जो है किस तरह से कंपेयर किया है. ठीक है, टाइगर इन द जू और टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट. क्लियर? एंड दिस इज द समरी ऑफ दिस पोएम. कि पोएम के थ्रू जो है लेस्ली नॉरिस ने जो है हमें भी एक मैसेज दिया है कि हमें जो है किसी की फ्रीडम को नहीं छीनना चाहिए, और इतना ज्यादा जो है क्रूएल हमें जो है एनिमल्स के प्रति नहीं होना चाहिए. क्योंकि हम बोल सकते हैं, वो बोल नहीं सकते, हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, एनिमल्स जो है अपनी आवाज को नहीं उठा सकते. तो इस बात को हमें अपने माइंड में जो है रखना चाहिए. तो ये एक ब्यूटिफुली मैसेज दिया है किसने, पोएट ने, इस पोएम के थ्रू, ए टाइगर इन द जू एंड टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट. तो इसका जो है एग्जाम्पल हमने जो है फर्स्ट पोएम में देख, फर्स्ट चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में देख चुके हैं नेल्सन मंडेला वाले में, कि किस तरह से उन्होंने अपने फ्रीडम के लिए किस तरह से स्ट्रगल करा था, और पूरी लाइफ जो है अपने देश को फ्रीडम दिलाने के लिए जो है किस तरह से उन्होंने फाइट किया था, किस तरह से स्ट्रगल किया था उन्होंने और उनके कॉमरेड्स ने, साथियों ने. तो यहाँ पे भी जो है उन्होंने टाइगर को लेके जो है जो पोएम लिखी है, और ये बताने की कोशिश करी है कि हमें किसी के फ्रीडम को छीनना नहीं चाहिए. तो हियर इज द समरी ऑफ दिस पोएम. द पोएम बिगिंस विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टाइगर दैट इज अ ब्यूटीफुल एंड, और टाइगर सबको पता है कि कैसा होता है, गोल्डन उसका कलर होता है, और स्ट्राइप्स कैसी होती है उसकी, ब्लैक कलर की स्ट्राइप्स होती है. एंड इज वॉकिंग इन हिज लिटिल केज, और जो है जिससे हमने उसको कैद करके रखा है उसमें जो है वो लिमिटेड एरिया है. जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया है, लिमिटेड एरिया है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है, तो वो किस तरह से वहां पे चल रहा है. ही हैज ब्यूटिफुल स्ट्राइप्स ऑन हिज स्किन एंड हैज वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज. अगर हमने देखा होगा बिल्ली को, आपने देखा होगा बिल्ली के जो पंजे होते हैं वो क्या होते हैं, पैडेड रहते हैं, काफी सॉफ्ट रहते हैं, और दबे पांव जब चलती है अपने प्रे के लिए. तो सिमिलर जो है टाइगर क्या होता है, उसके भी हैं ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स हैं ऑन हिज स्किन एंड हैज वेलवेट, और ये भी क्या करता है, दबे पांव जो है अपने प्रे के लिए, अपने खाने के लिए जो है कैसे धीरे धीरे चलता है. तो वेलवेट लाइक सॉफ्ट पॉज, तो वेलवेट मीन्स मखमल की तरह जो है उसके पॉज जो है पंजे कैसे रहते हैं, वेरी सॉफ्ट. बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी एंड इज क्वाइट एंग्री. अब जैसे हमने पहले भी एग्जांपल लिया था कि अगर हमें जो है कोई प्रिजन में रख देता है या कमरे के अंदर बंद कर देगा तो क्या आप खुश होंगे? नहीं होंगे. ऑब्वियस हम दुखी होंगे क्योंकि हमारी फ्रीडम छीन ली है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं, अपने घर में रहते हैं. तो क्या होता है बच्चों, अपनी मर्जी से जाएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे, जो मर्जी आया काम करा. तो यहाँ पे जो है
सेम जो है यहाँ पे बोला है कि बट द टाइगर इज नॉट हैप्पी, टाइगर खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज इन द केज एंड इज क्वाइट एंग्री अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज, और उसको गुस्सा है, क्वाइट एंग्री, क्वाइट रेज, इफ बट यूज बाय रेज, रेज मीन्स एंग्री, गुस्सा है बट कैसा है, शांत है, अबाउट बीइंग कन्फाइंड इन द केज, क्योंकि उसको किस में रखा है, उसकी फ्रीडम छीन लिया है, उसको केज के अंदर रखा है. द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वॉज नॉट कन्फाइंड टू द जू केज, अगर उसको जो है चिड़ियाघर के पिंजरे में नहीं रखते हैं, he would have been hiding himself behind the long grass. तो वो क्या करेगा अगर उसको फ्रीडम मिल जाती है, उसको जो है नेचुरल हैबिटेट मिल जाता है, तो क्या होगा, वो खुश होगा और क्या करेगा, he would have been hiding himself, अपने आप को किसके बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों के पीछे जो है अपने छिपा के, जो एक वर्ड आया था लर्किंग, राइट, छिप के जो है नियर सम वाटर बॉडी, अगर कोई पानी का जो है अगर सोर्स है वहां पे, और मे भी कोई वहां पे जो है हिरन जो है, जैसे यहाँ पे जो है एक वर्ड यूज हुआ है प्लम्प डियर, प्लम्प मीन्स फ्लैशी डियर मीन्स मोटा ताजा जो है, अगर पानी पीने आता है तो वो क्या करेगा, अपना प्रे प्रे मीन्स खाना, अपने खाने को जो है एकदम से उसके ऊपर अटैक कर सकता है, तो ही वुड हैव बीन, और ये कब करेगा, जब वो फ्री होगा, उसको फ्रीडम मिलेगी. He would have been hiding himself behind the long grass near some water body in order to catch its prey. Prey means अपना खाना, ठीक है, शिकार के लिए. That is the deer. और यहाँ पे जिसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हिरन की, क्योंकि सबसे सीधा जानवर कौन सा होता है, हिरन. तो मोस्टली जो है कई बार ही देखा होगा कि जो हमें एनिमेटेड होते हैं या कोई भी पिक्चर दिखाते हैं तो उसमें देखते हैं कि शेर भाग रहा है या टाइगर भाग रहा है, किसके पीछे भाग रहा है, हिरन के, राइट. जबकि हिरन कितना तेज भागता है, बट स्टिल जो है फिर भी वो, क्योंकि उनकी स्पीड कितनी होती है टाइगर की, 120 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से भागता है, सबसे ज्यादा स्पीड होती है. इन ऑर्डर टू कैच इट्स प्रे दैट इज द डियर, तो यहाँ पे डियर की बात करिए जो उसका भोजन है. ऑल्सो ही वुड हैव टेरराइज, और सेकेंड थिंग क्या बोली, एक तो वो अपने प्रे को जो है किस तरह से छुप के ग्रास के पीछे वाटर बॉडी के पास, अगर कोई प्रे आता है किस तरह से अटैक कर सकता है. सेकेंड, अगर उसको हम फ्री कर देते हैं तो ऑल्सो ही वुड हैव टेरराइज द रेसिडेंट, और किसको डराएगा, द रेसिडेंट्स ऑफ द विलेजेस अराउंड द फॉरेस्ट एरिया, क्योंकि उसको तो फ्रीडम है, कहीं भी जा सकता है पूरे फॉरेस्ट में, तो वो किसको डराएगा, जो आउटस्कर्ट्स में जो लोग रहते हैं उनको जो है वो डरा सकता है, अगर उसको जो है ही वुड हैव बीन फ्री. बट द रियलिटी इज टोटली अपोजिट टू दिस, परंतु रियलिटी क्या है कि अगर हम उसको केज में रखते हैं तो बिल्कुल अपोजिट है, वो अपनी मर्जी से खाना नहीं खा सकता, अपनी मर्जी से किसी कहीं घूम नहीं सकता, फ्रीडम, क्योंकि फ्रीडम वर्ड जो है यहाँ पे यूज है ज्यादातर, कि मोस्टली जो है उसको जो है टोटली सिचुएशन क्या है, अपोजिट टू दिस, ही वॉज कन्फाइंड इन अ केज, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, विच वॉज मेड ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग मटेरियल, उसको वो तोड़ भी नहीं सकता, अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता, एंड ही वॉज हेल्पलेस देयर, अब वहां पे कोई उसकी सहायता भी नहीं कर सकता, हेल्पलेस है वो. ही कुडंट शो हिज पावर टू द विजिटर, अब विजिटर आ रहे हैं देखने के लिए आ रहे हैं, तो हमने पहले भी बोला था कि वी जस्ट फॉर आवर प्लेजर जो है हम उसको कैद कर देते हैं, केज में रख देते हैं, तो वो अपनी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर सकता, क्लियर. ही कुडंट शो हिज पावर टू द विजिटर, कई बार आप लोग जो है चिड़ियाघर के में गए होंगे और वहां देखा होगा पिंजरे में शेर है, चुपचाप जो है घूमता रहता है, और कई बारी जो है वो डराने की कोशिश भी करता है, बट यहाँ पे जो है उसकी, उसको पता है कि उसकी जो पावर है, ही कुडंट यूज हिज पावर, तो वो जो है विजिटर्स को नहीं डराता, टेरराइज नहीं कराता, देयरफॉर नेवर ट्राई टू टेरराइज देम, क्योंकि उसे पता है उसकी जो है लिमिटेड स्ट्रेंथ है और अपनी फुल पावर को वो जो है यूज नहीं कर सकता. द टाइगर इज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग पावरलेस एंड एगोनाइज बाय द पोएट, क्योंकि वो पिंजरे के अंदर है तो पावरलेस है, अगर उसको फ्रीडम मिल जाता है या नेचुरल हैबिटेट मिल जाता है
तो वो पूरी पावर में रहता है, पूरी फुल स्ट्रेंथ में रहता है. ही सेज फर्दर, ही सेज दैट ड्यूरिंग नाइट ऑल्सो ही इज अलोन. और रात के समय भी जो है, क्योंकि दिन में क्या है, कोई विजिटर आ रहा है, कोई आ रहा है दिखने के लिए आ रहा है, बट नाइट ड्यूरिंग नाइट वो क्या है, अलोन है, अकेला है. ही इज अलोन. हियरिंग द वॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग व्हीकल्स ऑफ पुलिस. और क्या सुंदर है, वो पिंजरी के अंदर बैठ के अकेला जो है अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए वो जो है खाली किसकी आवाज सुन रहा है, गाड़ियों की आवाज सुन रहा है जो नाइट चेकिंग के लिए जो है प्रोटेक्ट करने के लिए या नाइट में जो है चेकिंग के लिए जो है पुलिस की गाड़ियां घूम रही है उसकी आवाज सुनाई दे रही है. क्योंकि सुनसान में कुछ तो सुनाई देता नहीं. रात के समय क्या होता है, जो एक दो गाड़ियां चलती हैं चेकिंग के लिए चलती है पुलिस वालों की, खाली उसी की आवाज सुन रहा है कौन, टाइगर इन द केज. एंड लुकिंग एट द स्टार्स. और क्या देख रहा है वो, अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए या अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने के लिए कि जहाँ कि मेरी जो है स्ट्रेंथ नहीं है या मेरे को फ्रीडम नहीं है, तो कहाँ पे देख रहा है, लुकिंग एट द स्टार्स विद हिज शाइनिंग आईज. द केस लाइफ हैज टोटली चेंज द टाइगर्स पर्सनैलिटी. अब यहाँ पे अगर हम किसी को कैद कर देते हैं तो उसकी जो है टोटली पर्सनैलिटी को है हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं. हम क्या करें, उसकी टोटली पर्सनैलिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. कैसे हो रही है चेंज, कि अगर उसको नेचुरल हैबिटेट में हम छोड़ देते हैं तो वो एक जो उसके अंदर जो एक चमक होती है, खुशी होती है, वो हमें अभी नहीं दिख रही है, जो कि हमने किस में रखा हुआ, केज में रखा हुआ. क्लियर. तो जो उसकी जो है हमने उसको जो क्या कर दिया है, उसके चेंज द टाइगर्स पर्सनैलिटी. और टाइगर की पर्सनैलिटी क्या है, कि वो जो है क्या है, बहुत पावरफुल है, एनिमल है, स्ट्रेंथ है उसके अंदर, बहुत ज्यादा ताकत है, एक फ्रीडम के तरह जो है अपना पूरे जंगल में वो घूमता रहता है. द पोएट इज ट्राइंग टू से दैट द एनिमल विच इज फेमस फॉर इट्स फियरलेसनेस. अब टाइगर शेर अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, फियरलेसनेस के लिए जो है फेमस है, अपनी फ्रीडम के लिए फेमस, राइट. फ्रीडम इज कन्फाइंड एंड सैड ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स. अब दुखी क्यों है, किसकी वजह से दुखी है, इंसान की वजह से जो है यहाँ पे दुखी है. ड्यू टू द ह्यूमन बींग्स हु वॉन्ट टू डिराइव प्लेजर बाय लुकिंग एट हिम इन द ज़ू केज. क्योंकि हम अपने प्लेजर के लिए क्या करते हैं, उसको पिंजरे के अंदर जो है कैद करके रखते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे जो है बहुत ब्यूटीफुली जो है उन्होंने कंट्रास्ट करा है टाइगर को और टाइगर इन द ज़ू एंड टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट. तो मेनली जो है यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कि एक जो है क्या यूज हुआ है यहाँ पे, पर्सोनिफिकेशन है. क्योंकि हम जो है एक ह्यूमन करेक्टर को जो है किसके लिए यूज कर रहे हैं, टाइगर के लिए यूज कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो है कौन सा हमारा पोएटिक डिवाइस है, दैट इज योर पर्सोनिफिकेशन. क्लियर. तो हमने देखा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो है टाइगर को हमने जो है केस के अंदर रखा हुआ है. क्लियर. और किस तरह से जो है बहुत दुखी है बट शांत, उसका जो है गुस्सा जो है क्या है, क्वाइट रेज. गुस्सा है बट शांत है. क्यों गुस्सा है, क्योंकि उसके पास लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड स्ट्रेंथ है. तो यहाँ पे जो है जैसे मैंने बताया पहले वाले स्टेंजा में क्या पर्सोनिफिकेशन है और मेटाफर है. मेटाफर मीन्स अगर हम कंपेयर कर रहे हैं विदाउट यूजिंग वर्ड्स, कौन कौन से वर्ड, एज और लाइक, दो वर्ड हम यूज नहीं कर रहे हैं और हम डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं. जैसे उनके जो है पेट्स को किसे, वेलवेट क्वाइट से. क्लियर. तो यहाँ पे मेटाफर है, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोयम. अब हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइगर का क्या बोला है, ठीक है, फिर देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो एक ब्रीफ स्केच देती हूँ मैं आपको, जहाँ स्पेस होगा यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि पोएट ने क्या कहा है. नेस्ले ए टाइगर इन द जू. क्लियर. अब ये किसने लिखी है बच्चों, जॉर्ज लेस्ले नॉरिस, रिटन बाय लेस्ले नॉरिस. Clear?
अब इसमें क्या बताया है, कंट्रास्ट दिया है पोएट ने, क्या कंट्रास्ट दिया है, दो हैं, एक टाइगर जो है, एक टाइगर इन द जू, और सेकंड है एक टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट राइट। अब हमने क्या देखा बच्चों यहाँ पे, जो टाइगर जो है नेचुरल हैबिटेट जो जू के अंदर है उसके पास क्या है, लिमिटेड एरिया, लिमिटेड एरिया टू वॉक, लिमिटेड स्ट्रेंथ, और क्या है, क्वाइट रेस, गुस्सा है बट शांत है। बट जब यहाँ पे क्या है, टाइगर टाइगर इन हिज नेचुरल हैबिटेट में क्या, उसको फ्रीडम है, फ्री है, क्लियर, अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज कर सकता है, पावरफुल है, अनलिमिटेड एरिया है राइट, तो अपनी मर्जी से काम कर सकता है वो, क्लियर। तो इसी को जो है हम कल क्वेश्चन आंसर इसके डिस्कस करेंगे, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम कल डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो आज हमने जो है ये पोएम कंप्लीट करी है। तो बच्चों आज हमने पोएम जो है कंप्लीट करी है, ए टाइगर इन द जू। तो हमने देखा है यहाँ पे पोएट ने किस तरह से कंट्रास्ट किया है दोनों, उसके नेचुरल हैबिटेट को, और प्रेजेंट में अगर हम केस में रख देंगे उसको तो उसकी मतलब क्या, किस तरह से जो है वो अपना गुस्सा दिखाएगा या शांत रहेगा, क्वाइट रेस दिखाएगा, अगर केस के अंदर है, लिमिटेड एरिया है, उसकी पूरी हमने जो है स्ट्रेंथ जो है लिमिटेड स्ट्रेंथ रहती है, बट एक फ्रीडम होती है, जैसे हमने कंपेयर करके बताया था कि अगर फ्रीडम मिलती है तो हम अपनी मर्जी से काम करेंगे। तो सिमिलरली जो है अगर टाइगर को जो है उसका नेचुरल हैबिटेट क्या है उसका बच्चों, फॉरेस्ट है, और आजकल हम क्या करें, फॉरेस्ट काट रहे हैं, तो ऑब्वियस है कि जानवर कहाँ जा रहे हैं, टूवर्ड्स द विलेजेस, गांव की तरफ जा रहे हैं, आउटस्कर्ट्स में जा रहे हैं, और वहां पे जो है डरा सकते हैं, बट अगर केज में हो तो हाउ इज इट पॉसिबल, नहीं कर सकते हैं वो। तो कल हम जो है, टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।